एम बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है कि चुनाव आते आते वो भी गठबंधन जो बना है वो बिल्कुल विखंडित हो जाएगा और वो लोग फिर जो है सो अपने टुकड़े टुकड़े में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन तो बिखर जाएगी, उनमें एकता नहीं है। भाजपा पहले भी कह चुका है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद हो चुका है और उनका किसी कीमत पर चाहे वो नाक रगड़ ले मोदी जी के सामने उनको लिया नहीं जाएगा इस गठबंधन। यह गठबंधन का तो हाल देवदास वाला हो गया है। जैसे ममता दीदी बोलती है कि हम बंगाल नहीं देंगे, अखिलेश जी बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे, केजरीवाल जी दिल्ली नहीं देंगे, तो मां ने कहा कि शराब छोड़ दो, माने पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा कि शराब छोड़ दो, और शराब तो खैर दुनिया ही छोड़ दिया। भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा था, सभी लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये लोग अपने के लिए जीते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इंडिया अलायंस में आए दिन कोई ना कोई रूठता हुआ ही नजर आ रहा है और ऐसे में जितने भी दल हैं उनके बीच में सीटों का सामंजस्य जो है वो नहीं बैठ पा रहा है। इस वक्त हम लोगों के बीच मौजूद है और लोगों से ही बातचीत करेंगे कि आखिर इंडिया अलायंस में किस तरीके से सीटों का सामंजस्य बैठेगा या फिर बैठेगा भी या नहीं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से लगातार जो दल है वो रूठते नजर आ रहे, कभी ममता बनर्जी हो, कभी अखिलेश यादव हो या फिर अन्य नेता हो, उनके बीच में नाराजगी अक्सर दिखती है, क्या लगता है क्या होगा इंडिया गठबंधन? नहीं लगता, एकदम बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है कि चुनाव आते आते वो भी गठबंधन जो बना है वो बिल्कुल विखंडित हो जाएगा और वो लोग फिर जो है सो अपने टुकड़े टुकड़े में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। लेकिन पहल तो की जा रही है, लेकिन आप निश्चित रूप से परिणाम आप जान रहे हैं कि 100 माथा को एक माथा नहीं किया जा सकता है और निश्चित रूप से यहाँ पर है कि एक माथा है और सब कोई लोग जो है उनको मानते हैं, वहाँ पर कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से परिणाम के रूप में यही आएगा कि वो लोग आपस में फिर विखंडित होकर अकेले के लिए चुनाव लड़ने का काम करेंगे और हमारा जो इंडिया गठबंधन है बिल्कुल एक यूनाइट होकर जो जितने भी गठबंधन के घटक दल हैं और बिल्कुल एकता के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जनता भी जो है सो एनडीए के साथ बिल्कुल रूप से एकदम मुस्त रूप से खड़ी है और उसका परिणाम निश्चित रूप से हम मानते हैं कि इस बार हम लोग 400 सीट पार करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन ऐसे भी कहा जाता है कि उन लोगों का एक मत है नहीं और उनका बिखराव होना तय है और पूरा विश्व अब भारत को सनातन व्यू से देख रहा है और इस ओर लोग मोदी के ही नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इंडिया गठबंधन तो बिखर जाएगी, उनमें एकता नहीं है और इसीलिए उसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होना है जी। सीएम नीतीश कुमार की भी बात हो रही है, एक बार फिर से चर्चा तेज है कि एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, तो क्या अगर एनडीए में शामिल होते हैं फिर से सीएम नीतीश कुमार तो आप लोग उन्हें स्वीकार करेंगे? भाजपा पहले भी कह चुका है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद हो चुका है और उनका किसी कीमत पर चाहे वो नाक रगड़ ले मोदी जी के सामने उनको लिया नहीं जाएगा इस गठबंधन में। क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन जो है उसका क्या होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अब टूटने के कगार पर खड़ी है। आज आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा कि आज ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया कि बंगाल में चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि मैं चुनाव अपने दम पर ही लड़ूंगा। तो ये जो गठबंधन का आपसी जो तालमेल बैठ नहीं पा रहा है तो ये अब पूरी तरह से टूटने के कगार पर खड़ी है। और देखिए, नीतीश जी भी जो एक नया सोच लेकर चले थे वो सोच पे पूरी तरह से जनता ने भी पानी फेर चुका है। वो विजन, कोई उनका विजन है ही नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। इंडिया गठबंधन का तो हाल देवदास वाला हो गया है, ठीक ना? हाँ, जैसे ममता दीदी बोलती है कि हम बंगाल नहीं देंगे, अखिलेश जी बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे, केजरीवाल जी दिल्ली नहीं देंगे, तो मां ने कहा कि शराब छोड़ दो, माने पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा कि शराब छोड़ दो, और शराब तो खैर दुनिया ही छोड़ दिया। वही वाली बात है, तो इंडिया का कोई अस्तित्व है नहीं, यहाँ सब मतलबियों का एक बना है गुट जो अपने अपने देख रहे हैं। आपका आपके से तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, टोटल बिखराव के कगार पर है। तो इंडिया गठबंधन का कोई हम लोग उसको महत्व ही नहीं दे रहे हैं, उसको मान ही नहीं रहे हैं। गठबंधन देखिएगा, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा गठबंधन पूरे एकदम बिखर जाएगा। अगर सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ एक बार फिर से आते हैं तो आप लोग नहीं आएंगे? आने का सवाल ही नहीं है। रास्ता मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है उनका, हमारे चेंज कर चुके हैं। गृह मंत्री जी ने जब बिहार में कार्यक्रम किए तो उन्होंने साफ स्पष्ट ये मतलब स्पष्ट उन्होंने ये बोला कि भारत नीतीश जी आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो कहीं कोई रास्ता नहीं बचता नीतीश जी हमारे मतलब बीजेपी में शामिल हो पाएंगे। वो क्या लगता है
कि इंडिया गठबंधन का आगे भविष्य क्या होगा? इंडिया गठबंधन नाम इंडिया रख देने से ऐसा नहीं है कि इंडिया के सभी लोग उनके भारत के सभी लोग उनके अनुसार चलेंगे। इस भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा था, सभी लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं। जो गठबंधन अपना नेता नहीं चुन सकता है, अपना सीट शेयरिंग नहीं कर सकता है, वो चुनाव में क्या जाएगा गठबंधन बना के? सभी लोगों का अपना अपना स्वार्थ है, अपना अपना वोट बैंक है, अपना स्वार्थ जब टकराएगा उसके बाद इन लोगों का बिखराव होना ही था। सभी लोग अपने अपने राज्यों में पकड़ रखते हैं, किसी दूसरे को समर्थन नहीं देना चाहते हैं, वहाँ तो एक नेता क्लियर नहीं है। और एनडीए गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ एक मजबूत नेतृत्व, देश को संभालने वाला एक मजबूत नेतृत्व है, उस नेतृत्व के साथ सभी लोग जुड़ के आगे काम करने के लिए तैयार हैं। और एक भारत को एक विकसित देश के रूप में 2047 में जो टारगेट किया गया है, उसी में आज नए मतदाताओं को जोड़कर, नए युवाओं को जोड़कर, चूँकि भारत एक विश्व का सबसे युवा देश है, इसलिए युवाओं को जोड़कर एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर मोदी जी अग्रसर हैं और पूरा भारत उनके साथ है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से विफल रहा है और पूरी तरह से विफल रहेगा, कोई गठबंधन नहीं होगा, कहीं कोई सीट शेयरिंग अभी नहीं होने वाला है। ये तो चल रहा था जब फिजिकल बैठक के बाद, अब बैठक भी ऑनलाइन होने लगा है सब, तो अब समझ लीजिए कि अब क्या ही गठबंधन चलने वाला है, कोई गठबंधन चलेगा नहीं। आने दो चार पाँच दिनों में देखिएगा कि जो बचे हुए दल हैं वो भी कहीं ना कहीं आपस में बिखर जाएंगे और सभी लोग अपना अपना अलग चुनाव लड़ेगा, कहीं कोई गठबंधन रहने वाला नहीं। उनका जो है परिवारवाद पहले छूटेगा तब ना, अपने अपने बेटे के लिए, अपने अपने बेटी के लिए, अपने अपने जो भविष्य में अभी जो आए ना है उनके लिए ये लोग पूंजी जमा कर रहे हैं, तो गठबंधन तो इन लोगों का सफल होगा नहीं, क्योंकि ये लोग अपने के लिए जीते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग, कुछ लोग जेल भी जाने वाले हैं, ईडी सीडी उनके कई बार समन भेज चुका है, वो लोग जा नहीं रहे उनके सामने, तो भ्रष्ट में लिप्त हैं तो कैसे जाएंगे। हमारे पास एक विजन है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो पूरे विश्व में अपना पताखा लहरा चुके हैं, उनके लिए हम लोग एक होकर उनके पीछे खड़े हैं। हम लोग अभी 500 पार करके दिखाएंगे पूरे भारत में, अब लोग हम लोग लोकसभा में 500 सीट लाकर दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन में हम लोग युवा, जितने लोग हैं युवा साथी लोग, सभी लोग इस बार पूरे प्रयत्न के साथ युवा, मतलब कि मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि जितने युवा साथी हैं इस बार, जितने मतदातागण बढ़ सकते हैं उतने, मतलब सभी लोगों को एक साथ एकजुटता से लेकर चलना है और आगे युवा साथी का, मतलब नया पीढ़ी जो है उज्ज्वल। इंडिया गठबंधन का भविष्य यही होगा कि हम लोग आने वाला जो युवा का रोजगार अवसर जो है, आने वाला इन फ्यूचर जो हम लोग को जो मिलना चाहिए वो लाभ समय समय पे मिलता रहेगा। देखिए जो सिचुएशन है वो सभी लोग को पता है, ठीक है, ये तय है कि इंडिया गठबंधन आज के डेट में फेलियर हो रहे हैं सभी दृष्टिकोण में। आप देख लीजिए, चाहे उनकी बैठक हुई, कई चार पांच बार बैठक हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। निकट समय में ही, अब चंद दिनों का समय बच गया है चुनाव का, और इस समय अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है कौन का शेयर करेंगे, कैसे सीट का शेयर करेंगे, इसकी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आने वाले समय में मोदी जी की लहर पूरे विश्व में चल रहा है और इनको छोड़ करके भारत में सिर्फ भारत का ही बात किया जाएगा, इंडिया की बात नहीं की जाएगी। तो देखिए, बात लोगों से कर रहे थे, जिस तरीके से लगातार जो है तल्ख तेवर सभी दलों के देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर, ऐसे में क्या भविष्य होगा इंडिया अलायंस का, लोगों से बात कर रहे थे और क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा।